आज जो हम लोगों के पास आर्टिकल है उसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कुछ किताबों में इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत के नाम से लिखा गया है। इसको आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम लोगों के पास ऐसा भी पूछता है कि CFT क्या है। अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांतों को अगर पढ़ें तो देखो उसमें से कुछ लाइनें मैंने लिख रखी हैं, पहले उन पर ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है? कहता है जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है। आपने हमेशा इस बात को देखा है कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा किसके साथ जुड़ता है? लिगेंड के साथ। और लिगेंड के साथ जुड़ता भी कब है? जब लिगेंड अपने पास रखे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को दे देता है, तो उनके साथ बनते हैं उपसहसंयोजक आबंध। तो उसी बात को कह रहा है कि जब कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल कह दे या कक्षक दो भागों में टूट जाते हैं। इस सिद्धांत को ही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। देखो आपने जब भी केंद्रीय धातु परमाणु को देखा होगा, आप चाहे जो भी केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें, सारे के सारे केंद्रीय धातु परमाणु संक्रमण तत्व थे। चाहे आप Fe की बात करते वो भी संक्रमण तत्व था, आप क्रोमियम की बात करते वो भी संक्रमण तत्व था, आप निकल की बात करते वो भी संक्रमण तत्व था, आप प्लेटिनम की बात करते तो वो भी संक्रमण तत्व था। एक बात तो स्पष्ट है कि केंद्रीय धातु परमाणु है संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व में भी अगर मैं देखूं तो संक्रमण तत्वों का अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा तो संक्रमण तत्व में जो रिक्त ऑर्बिटल बचते हैं, वे ऑर्बिटल जो खाली पड़े हैं, वो ऑर्बिटल होते हैं डी के। डी ऑर्बिटल ही खाली रहते हैं। मतलब अगर कभी भी लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु अपने पास रख भी लेता है तो कहता है केंद्रीय धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड से ले रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखेगा? डी उपकोश में रखेगा, डी ऑर्बिटल्स में रखेगा। तो हम सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां समझते हैं, डी ऑर्बिटल को समझोगे, आपने फर्स्ट ईयर के क्लास से इस बात को बनाना सीखा होगा कि बेटा डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पांच। डी उपकोष में ऑर्बिटल होते हैं पांच, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या उनके नाम जानते हैं आप उन पांचों ऑर्बिटल के? तो याद रखिएगा उन पांचों ऑर्बिटल में से पहले ऑर्बिटल को आप कहते हैं डी एक्स वाई, या इसको ऐसे लिख डी एक्स वाई। दूसरे ऑर्बिटल को कहते हैं डी वाई जेड। तीसरे ऑर्बिटल को कहते हैं डी जेड एक्स। इसके बाद वाले ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। अगर आपने आज तक इनके नाम नहीं सुने थे तो उनको सुन लीजिए, कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिना इसके अधूरा है। ये ऑर्बिटल हैं किसके? केंद्रीय धातु परमाणु के। और केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटलों में से कुछ ऑर्बिटल पर तो इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन कुछ ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कहता है जिन ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या वो खाली पड़े रहेंगे ऑर्बिटल? नहीं। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा तो लिगेंड के पास होते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, और वे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिगेंड किसको देगा? केंद्रीय धातु परमाणु को। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु ने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं उनको रखने की भी जगह तो होना चाहिए। तो ये जो खाली जगहें बची हैं इन खाली स्थानों पर लिगेंड द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। और जब लिगेंड द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉन इन खाली जगहों पर रखे जाएंगे तो जानते हो क्या होता है? इन ऑर्बिटल्स को मिल जाती है एनर्जी। भाई जितना भी लिगेंड आ रहा है वो सारा का सारा एनर्जी लेकर इन्हीं ऑर्बिटल्स में तो आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर इन्हीं ऑर्बिटल्स में आता है तो इन ऑर्बिटल्स को मिलती है उन इलेक्ट्रॉनों के थ्रू एनर्जी, और जब ऑर्बिटल्स को एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को ये सभी ऑर्बिटल सह नहीं पाते हैं, और जब सह नहीं कर पाते हैं तो ये पूरा ऑर्बिटल जो होते हैं ये दो भागों में टूट जाते हैं। तो इसी बात को वो बोलता है, कहता है हाँ,
अब मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, शायद अब बेटर समझ में आ जाएगा। कहता जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, पहले इनकी एनर्जी समान थी लेकिन जैसे इनके साथ लिगेंड जुड़ा इनके इलेक्ट्रॉनों को मिली एनर्जी, और एनर्जी के मिलने से ये ऑर्बिटल कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। तो कहता है दो भागों में टूट जाते हैं, इस सिद्धांत को ही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। लेकिन बेटा मैं क्या बोलता हूं, डिफिनिशन यहां खत्म हो गई होगी, आर्टिकल यहां पर खत्म नहीं होगा। फिर कहता है दो भागों में टूट गया, मैं अभी दो भागों में तोड़ देता हूं इसको, लेकिन उसके भी पहले समझते हैं। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल्स का टूटना उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। यह टूटने का जो क्रम है, यह टूटने का जो ऑर्डर है, या टूटने का जो तरीका है, यह डिपेंड करता है कि उपसह संयोजक यौगिक या उपसह संयोजक संकुल की ज्यामिति क्या थी। तो हमने मेनली अपने इस चैप्टर में दो ज्यामिति वाले उपसह संयोजक यौगिकों या उपसह संयोजक संकुलों को पढ़ा है। अगर आपको याद होगा पहले की ज्यामिति होती थी अष्टफल की और दूसरे की ज्यामिति होती थी चतुष्फल की, याद है। तो हम सबसे पहले कौन से उपसह संयोजक यौगिक की बात करेंगे, जो अष्टफलकी है। तो अष्टफलकी यौगिकों में ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये ब्रेक कैसे होते हैं, इस बात को पढ़ेंगे। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? डी ऑर्बिटल में, डी उपकोष में पांच ऑर्बिटल में से एक्स वाई, और अगर आपको नहीं पता तो एक और बात यहीं से सीख कर चलो, आगे टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। डी एक्स वाई का मतलब क्या है, ये ऑर्बिटल जो है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में बना है, एक्स वाई। आपने कभी एक्स अक्ष कभी क्या बेटा, आपने तो इंटरमीडिएट तक पहुंचते पहुंचते बहुत बार एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया होगा। अगर आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया है, ये है एक्स अक्ष और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। तो कहता है डी एक्स वाई जो होता है ये कहां पर होगा, तो ये होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में। तो बेटा एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, इन दोनों के कहां होगा, बीच में। ऐसे ही डी वाई जेड आपको पता है कहां पर होगा, वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच में। डी जेड एक्स कहां होगा, जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में। लेकिन कोई पूछेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कहां होगा, ये होगा या तो एक्स अक्ष के पर या तो जेड अक्ष पर, कुछ ऐसे। या तो बेटा आप इसको एक्स अक्ष पर ले जाओगे और या इसको कौन से अक्ष पर लेके जाओगे, जेड अक्ष पर, ये अक्ष पर बना होगा। पूछता है डी जेड स्क्वायर कहां होगा, ये भी अक्ष पर ही होगा। तो मैं क्या सोचता हूं, इनमें से तीन ऑर्बिटल जो हैं ये अक्षों के बीच हैं और बाकी के जो लास्ट के दो ऑर्बिटल दिख रहे हैं ये हैं अक्ष पर। कहता सर जी क्या इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमें, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल अक्षों के बीच में आ रहे हैं और कौन से ऑर्बिटल अक्षों पर आ रहे हैं। तो आपको पता है ये तीन ऑर्बिटल अक्षों के बीच में, किसी अक्ष में नहीं आते, ये एक्स वाई के बीच में, ये वाई जेड के और ये जेड एक्स के बीच में। हां लेकिन जो लास्ट के दो आपके पास ऑर्बिटल बच रहे हैं ये ऑर्बिटल आ रहे हैं अक्षों के बीच। तो कहता है अक्षों के बीच और अक्षों के पर होने पर क्या कोई अंतर है, उस अंतर को पहचानते हैं। देखो एक हमने उपसह संयोजक यौगिक ले लिया और उपसह संयोजक यौगिक की संरचना कैसी है, अष्टफलकी, और अष्टफलकी यौगिक में से मैंने मान लिया यह है केंद्रीय धातु परमाणु। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में ठीक ठाक आ जाए, यह है केंद्रीय धातु परमाणु M और इस पर लगे हुए हैं छह लिगेंड, तभी तो अष्टफलकी बनेगा जाके। तो बेटा पहला लिगेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन सभी लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को, और कहा भैया हमारे साथ उपसह संयोजक आबंध बनाइए। क्या ये अष्टफलकी स्ट्रक्चर है, कहोगे सर जी नहीं, ये अष्टफलकी स्ट्रक्चर तो वर्ग के आकार का है। एक बॉन्ड वर्ग से कहां बनना चाहिए, ऊपर, और एक बॉन्ड वर्ग से, चलो ये बात तो आपको याद है। अगर ये बात आपको याद है इससे एक अच्छाई रहेगी, आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। देखो अब इस बात को थोड़ा सा बनाते हैं, देखो ध्यान से इसको,
आप इससे एक और चीज को समझिए, यह है बिल्कुल एक कागज, कुछ इस प्रकार का कागज है, देखो ये इस प्रकार का कागज है। अरे मैं अपनी बुक को उठा लूं यहां से, ये बुक है, ये एक कागज है, हालांकि ये आयताकार है, लेकिन अगर ये बुक यहां से कम होती और वर्गाकार आकृति में होती तो एक बॉन्ड यहां से केंद्रीय ध्यात परमाणु, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। आप क्या कोई ये बता सकता है इसमें से कि ये जो चार बॉन्ड लगे होते इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता? ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता? वर्गाकार आकृति में 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण होता। अर्थात अगर हम इस अक्ष को एक्स अक्ष माने, इस अक्ष को क्या माने? वाई अक्ष। ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष। और एक बात को ध्यान रखें, जेड अक्ष कहां होगी? किताब से ऊपर, क्योंकि जेड अक्ष को तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जेड अक्ष कुछ होगी ऐसे। अब जरा ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने वाली बात क्या है, लिगेंड भी बिल्कुल अक्षों पर ही आ रहे हैं। देखो ये लिगेंड जो है और ये लिगेंड है वो कौन सी अक्ष से आ रहा है? एक्स अक्ष से। ये लिगेंड कौन सी अक्ष पे जा रहे हैं? वाई अक्ष पे। ये क्रॉस का निशान लगाए हुए, ये एक्स अक्ष नहीं है। और बेटा ये जो ऊपर इसको पार करके जा रहा है, ये कौन से अक्ष पे जा रहा है? जेड अक्ष पर। मतलब अष्टफलकी स्ट्रक्चर में जो लिगेंड जुड़े भी हैं वो अक्ष पर जुड़े हैं। और इस जगह पर एक समझने लायक बात है, अपने इलेक्ट्रॉन को भी ये अक्ष के द्वारा ही भेज रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के पास। तो जब अक्ष के द्वारा भेज रहे हैं तो उस पर होगा क्या? देखो हमारे पास इस प्रकार के यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु का स्ट्रक्चर था और केंद्रीय धातु परमाणु में पांच ऑर्बिटल थे, 2, 3, 4, 5, जिसमें से पहला ऑर्बिटल था डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट में डी जेड स्क्वायर। केंद्रीय धातु परमाणु जैसे ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आए और केंद्रीय धातु परमाणु से टकराए, होता क्या है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों ने केंद्रीय धातु परमाणु को डी ऑर्बिटल्स को एनर्जी दी और एनर्जी के देने पर ये डी ऑर्बिटल्स जो थे वो दो भागों में टूट गए। कहता कौन कौन से दो भागों में टूट गए, तो उन दो भागों को लिखते हैं। देखो एनर्जी बढ़ी और एनर्जी बढ़कर ये दो भागों में टूट गए, तो दो भागों में टूटे देखो कैसे, तीन ऑर्बिटल रह गए जिनकी एनर्जी रही कम और दो ऑर्बिटल ऐसे हो गए जिनकी एनर्जी हो गई ज्यादा। तो कहता है सर जी वो तीन ऑर्बिटल कौन से हैं जिनकी एनर्जी कम रह गई? तो तीन ऑर्बिटल जो है जिनकी एनर्जी कम रह गई वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। कहता है तो फिर वे दो ऑर्बिटल कौन से हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो गई? तो एनर्जी ज्यादा हो गई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट में डी जेड स्क्वायर। तो अब पूछता है कभी कभी कि सर जी इन दोनों की एनर्जी देखो पुराने ऑर्बिटल की अपेक्षा तो दोनों की एनर्जी ज्यादा है। देखो पुराना ऑर्बिटल इस लाइन पे था, नए बने हुए ऑर्बिटल इस लाइन से ऊपर ही है। पुराने ऑर्बिटल की अपेक्षा जो नए ऑर्बिटल टूटे हुए बने हुए हैं, ये नए ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है या दोनों प्रकार के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन उनमें से भी किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है? तो इन दो वालों की एनर्जी उनमें से ज्यादा है और इन तीन की एनर्जी कम है। इन दो वालों को कहा जाता है ईजी ऊर्जा स्तर और इन तीन को कहा जाता है टी टू जी ऊर्जा स्तर। याद रखिएगा ईजी ऊर्जा स्तर और इसको टी टू जी ऊर्जा। अब जानते हो परेशानी कब होती है, जब कोई टीचर आके ये पूछ लेता है, कहता है कि आपने उन दो को ऊपर क्यों बनाया, इन तीन को नीचे क्यों बनाया? आपके तो सर जी किताब में छपा रखा था, इसलिए हमने उन दो को ऊपर बना लिया, तीन को नीचे बना लिया। या फिर आप दूसरा आंसर दो, कहते हमारे टीचर ने ये तीन नीचे बना रखे थे, दो ऊपर बना रखे थे, इससे हमको तुरंत पता चल गया
शीघ्रता से पता चल गया कि दो की एनर्जी ज़्यादा है, तीन की एनर्जी कैसी है, कम। अब उस बात को भी समझने लायक है कि टीचर ने बना दिया, ये अर्थ नहीं है कि आप इसे ये नहीं कह सकते कि इसलिए आपने ऐसा बना रखा है, उसका भी रीजन है। समझो बेटा, इन ऑर्बिटल्स में कौन भरा रहता है? इलेक्ट्रॉन। मैंने मान लिया इन ऑर्बिटल्स में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में पहले से थे। लिगैंड भी अपने इलेक्ट्रॉनों को भेज रहा है, तो लिगैंड भी अपने इलेक्ट्रॉनों को इनके पास भेज रहा है। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित? पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या करने चाहिए? प्रतिकर्षित, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रख रहा है और लिगैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन भेजे होंगे उस पर भी तो निगेटिव चार्ज होगा, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित करने के दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, किसी को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे और किन्हीं को के प्रति प्रतिकर्षण कैसा रखेंगे? कम। अब मैं इस बात को चेक करना चाहता हूं किसके प्रति प्रतिकर्षण ज्यादा रखेंगे, किसके प्रति प्रतिकर्षण कम रखेंगे। समझो, ऐसा सोच रहे हैं, जैसे हम इस डस्टर को नहीं उठाते, हम खुद बताते हैं, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन खुद हैं और एक सामने आदमी खड़ा है वो भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर सेम चार्ज है और हम बिल्कुल उसी व्यक्ति की सीध पर चले जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी व्यक्ति के सीध पर जाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी होगी कम, तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रतिकर्षण कैसा होगा? ज्यादा। अगर मुझे यहां जाना है तो मैं उसको तेजी से धक्का मार के हटा दूंगा कि मुझे यहां सामने जाना है, अर्थात मैं उसको ज्यादा प्रतिकर्षित करूंगा। भैया ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको इसी के पास से गुजरना था तो ये इसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको जब ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षण के कारण इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ने के कारण ये ज्यादा ऊपर निकल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर ये प्रतिकर्षण करने आ रहा है, और देखो प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं तो, और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्या अब ज्यादा प्रतिकर्षण होगा? नहीं। कुल मिला के सामने जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों से दाएं बाएं ऊपर नीचे रह जाएंगे, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को भी प्रतिकर्षित करेंगे लेकिन कम प्रतिकर्षित करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉनों को पर प्रतिकर्षण कैसा रहेगा? कम। सामने आ गया, हीरो नहीं कहता है, फिल्मों में देखा है, जो सामने आएगा उसी को तोड़ देंगे, तो भैया जो सामने आएगा वो ज्यादा टूटेगा, अगल बगल से जो जा रहा है वो कम मार खाएगा, खाएगा जरूर। अच्छा यार ये बताओ, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे लिगेंड के, वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से आ रहे थे कि अक्षों के बीच में से आ रहे थे? आप कहोगे सर जी अक्ष में से आ रहे थे, और ध्यान दो अक्ष में से आ रहे थे तो वे उन इलेक्ट्रॉनों को ही ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे जो इलेक्ट्रॉन अक्ष पर हैं, जो इलेक्ट्रॉन अक्षों के बीच में उन पर इनका प्रतिकर्षण कैसा रहेगा? कम। तो आप जरा ध्यान दो, ये तीन जो ऑर्बिटल थे ये अक्षों पर थे कि अक्षों के बीच में थे? बीच में थे, तो लिगैंड ने इन इलेक्ट्रॉनों को कम प्रतिकर्षित किया होगा या इन ऑर्बिटल्स को कम प्रतिकर्षित किया होगा। ये दोनों ऑर्बिटल कहां होते हैं? अक्षों पर, तो लिगैंड जब अक्षों से आएगा तो इनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, जिनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, जिनको ज्यादा धक्का दे देगा उनकी एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। और जिनको प्रतिकर्षित ज्यादा नहीं कर पा रहा था उनको, मैं ये नहीं कहता था कि प्रतिकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित उनको भी करेगा लेकिन कम प्रतिकर्षित कर पाएगा तो उनको धक्का देगा कम, इसलिए ज्यादा प्रतिकर्षण के कारण इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और कम प्रतिकर्षण के कारण इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो जाती है? कम। अगर आपसे कभी यह बात पूछ भी लेता है कि तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एनर्जी लेवल पर कम हो जाता है जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की एनर्जी का लेवल ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों? तो बताओगे कि अष्टफल की आकृति में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को अक्षों से भेजते हैं, इसलिए अक्षों पर या अक्ष में उपस्थित ऑर्बिटलों पर उसका प्रतिकर्षण रहता है ज्यादा, और जब प्रतिकर्षण ज्यादा रहता है तो इन ऑर्बिटलों को वो कहां भेज देता है? ज्यादा दूर, दूर धक्का मारता है।
और जो ऑर्बिटल अक्षों के बीच में उपस्थित हैं, प्रतिकर्षण तो उन पर भी रहता है, मतलब इनको भी ऊपर भेजेगा, लेकिन इनको ऊपर भेजता है थोड़ा सा, क्योंकि अक्षों के बीच में इस परिस्थिति पर लिगेंड्स का प्रतिकर्षण होता है कम। तो इस बात को आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा। आपके लिए फिगर आपसे डिमांड नहीं आएगा, आपको ये सारी बातें अगर पता होंगी तो फिगर अच्छा वर्क करेगा, पता नहीं होगी तो फिर आप केवल रट करके आंसर लिख करके आ जाओगे, और कभी कभी तो आप भूल भी जाओगे कौन सा एनर्जी लेवल ऊपर करना है, कौन सा एनर्जी लेवल कम करना है। इसके बाद भी एक और चीज रह जाती है जो मैं सोचता हूं आपको पता होना चाहिए। हमेशा एक बात की चर्चा रहेगी इस सीएफटी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, पहली चर्चा रहेगी दुर्बल लिगेंड। अगर समझना चाहो, और दूसरा रहेगा प्रबल लिगेंड, कहता अगर इसको भी समझना चाहो। मैं क्या सोचता हूं, आप दोनों ही चीजों को समझना चाहो। मैं कौन सा कहता हूं कि आप इस चीज को ना समझना चाहो, उसको ना उस और इसको समझना चाहो। प्रबल लिगेंड क्या होता है और दुर्बल लिगेंड क्या होता है? प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में डिफरेंस ये होता है, अगर लिगेंड प्रबल होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को देगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो अपने लिगेंड भाई केंद्रीय धातु परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन देगा, कहेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो खाली ऑर्बिटल पड़े हैं उन पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर भरना दो प्रकार से हो सकता है। कैसा हो सकता है? आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन आया यहां भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया यहां भर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया यहां भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन आया, आप दो परिस्थिति पर भर सकते हो, या तो चौथा इसमें भर सकते हो या तो चौथा इसमें भर सकते हो। अगर लिगेंड प्रबल है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, कहेगा पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, यहां भरेगा, छठवां इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, यहां, अब सातवां इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, ऊपर। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बना लेना है अगर लिगेंड कैसा है, प्रबल। यदि लिगेंड दुर्बल है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, अगर दुर्बल लिगेंड था तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भरेगा ऊपर, पांचवा इलेक्ट्रॉन भरेगा ऊपर, छठवां, सातवां, आठवां, उल्टा करके नवां और दसवां। तो कहता सर यह बात कैसे पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन लिगेंड प्रबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्यों बना देते हो, और लिगेंड दुर्बल हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो पहले बनाते नहीं, नीचे भी भरते हैं ऊपर भी भरते हैं तब जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात यहां पर रहती है कि जो प्रबल लिगेंड होता है वो पहले नीचे ही इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनवा देता है, और जबकि दुर्बल लिगेंड जोड़े को सबसे बाद में बनाता है। तो अगर आप इसका रीजन जानना चाहो तो वो रीजन आप जान सकते हो। देखो कैसे रीजन ऐसे जाना जा सकता है, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा का कुछ गैप होगा, ऊर्जा के इस गैप को डेल्टा नॉट से लिखते हैं। अब ध्यान देना, अगर लिगेंड प्रबल होगा, लिगेंड प्रबल लिगेंड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को तेजी से और ज्यादा क्षमता से केंद्रीय धातु परमाणु की ओर भेजे। तो जो लिगेंड प्रबल होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु के पास बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, तो बेटा प्रतिकर्षण भी उतना ही ज्यादा होगा। और प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का गैप उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक। मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं ऐसा कि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो गैप है, यहां लिख लेते हैं, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो गैप है वो बेटा है 100 जूल। कितना जूल मान लें, 100 जूल। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 100 जूल है। और समझो, इलेक्ट्रॉन को अगर यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया, कम ऊर्जा लगती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का यहां जोड़ा बनाना होता है उस समय एनर्जी का खर्च अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरने में भी एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं लगती है। कहता है एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि बेटा शुरुआत में पड़े ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस चौथे आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और फिर भी अगर आपको चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां जोड़ा बनवाना है, आपको युग्मन करवाना है,
तो आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। जोड़ा बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इस एनर्जी को आप कहते हैं युग्मन ऊर्जा। ऊर्जा, और मैंने अभी माना कि लिगेंड क्योंकि प्रबल है, ऐसी कंडीशन में प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ, यह 100 जूल है और युग्मन ऊर्जा है 40 जूल। अब सोच समझ के जवाब देना, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा उससे हम पूछेंगे कि तुम बेटा या तो जोड़ा बनाओ और या तो पतली गली से निकल ले ऊपर पहुंच जाओ। इलेक्ट्रॉन भी सोचेगा, कहेगा अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो 40 जूल ऊर्जा खर्च करनी होगी, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो कितनी जूल एनर्जी खर्च करनी होगी, 100 जूल। इलेक्ट्रॉन भी दिमागी है, वो काम वही करेगा जिसमें उसकी ऊर्जा की खपत कम होती है। अब आप सोच समझ कर जवाब दो, ऐसी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा कि जोड़ा बनाएगा? जोड़ा बनाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, जोड़ा केवल इसलिए बनाएगा क्योंकि लिगेंड था प्रबल और उसने ये वाली ऊर्जा का गैप 100 जूल कर दिया। 100 जूल एनर्जी ज्यादा हो गई और युग्मन ऊर्जा हो गई कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को जोड़े में बदलना उचित समझा। कहा भैया लिगेंड इतना प्रबल है कि इतना हाई लेवल एनर्जी कर दिया है कि हम वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहां तक जाने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, जोड़ा बनाने के लिए 40, हम 40 जूल से एनर्जी से जोड़ा बना लेंगे, हम 100 जूल पर नहीं जाएंगे। लेकिन कहता है अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं, यदि लिगेंड दुर्बल हुआ, सोचो अगर लिगेंड दुर्बल हुआ तो क्या ये ऑर्बिटल्स को ज्यादा प्रतिकर्षित कर पाएगा कि कम प्रतिकर्षित कर पाएगा? कम। अगर कम प्रतिकर्षित कर पाएगा तो इनके बीच की ऊर्जा का गैप ज्यादा होगा कि कम? कम। तो मैंने माना अब ये 100 नहीं है बल्कि कितने जूल है, 10 जूल। आप चाहो तो 20 भी मान सकते हो, क्योंकि मुझे समझाना है केवल। दुर्बल लिगेंड था, एनर्जी का गैप नहीं बढ़ा पाया, 10 जूल केवल एनर्जी रह गई। सोच समझ के जवाब देना, इस दौरान लिगेंड दुर्बल था ना, इसलिए एनर्जी नहीं बढ़ा पाया और केवल 10 जूल एनर्जी का गैप रह गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन रखना होगा, आप यहां जोड़ा बनाओगे कि ऊपर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाओगे? आप कहोगे सर जी जोड़ा बनाने में 40 जूल ऊर्जा खर्च होगी और ऊपर पहुंचाने में केवल 10 जूल। आप कहोगे जोड़े से अच्छा है हम कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दें, ऊपर। तो आपने इन दो बातों में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहती है उनको सीखा। लिगेंड प्रबल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा क्यों बनाया जाए, और लिगेंड दुर्बल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा ना बनाया जाए। मैं क्या सोचता हूं कि इन बातों को समझना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही समझना है। आप इन बातों को जानते नहीं तो लिख आते हो आप सारा कुछ, लिख तो मेरे से भी बेटर आओगे, लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कुछ भी नहीं जानते, आप केवल उन चीजों को लिख कर आ पा रहे हैं। और देखो इसमें से एक बात क्या है, आप ये समझ पाए कि यही ऑर्बिटल ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा, अक्षों से, लिगेंड अक्षों से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, और जब अक्ष से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अक्ष वाले ही ऑर्बिटल को ज्यादा परेशान करेंगे और अक्ष वाले इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल दूर भाग जाएंगे। पहली बात तो ये वाली बात आपको समझनी। दूसरी क्या समझती थी, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड वाली बात। तो एक काम करते हैं, मैं क्या सोचता हूं आप इसको जल्दी से नोट करिए। अष्टफलकी का तो आपने पढ़ ही लिया है, चतुष्फलकी का मैं और पढ़ा देता हूं। अगला बेटा लिखा है चतुष्फलकी संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब सबसे पहले चतुष्फलकी स्ट्रक्चर होता कैसा है, देखो एक चतुष्फलकी संकुल बनाते हैं जिसमें यह केंद्रीय धातु परमाणु है, एम से लिख लेते हैं, और चतुष्फलकी स्ट्रक्चर में अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, आपको पता होता था कि चार लिगेंड जुड़ते थे इससे। देखो कैसे जुड़ते थे, पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, और बेटा सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है, और ये चौथा, इस प्रकार से। अच्छा जरा ध्यान से देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कभी देखता भी है इस बात को, क्या इन चारों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लगभग इस प्रकार के हर एक उपसह संयोगी में से
किसी में भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। अच्छा 90 डिग्री का एंगल बने भी कैसे? बनेगा 90 डिग्री का एंगल तब जब ये एक वर्ग पर चारों बॉन्ड बनेंगे, और जबकि वर्ग पर थोड़ी बने ये बॉन्ड। ये बॉन्ड तो कैसे बने? एक बॉन्ड ऊपर से आया, फिर इस पॉइंट से एक बॉन्ड हो गया ये आगे की ओर, एक बॉन्ड ये पीछे की ओर, और एक बॉन्ड यहां से पीछे की ओर। अर्थात इनके बीच में तो 90 डिग्री का एंगल बनना ही नहीं। 90 डिग्री का एंगल तो तब बनता जब ये सारे के सारे एक वर्ग पर बनते बॉन्ड। इस पे एक बॉन्ड ऊपर से आया, ये मिडिल पॉइंट हो गया, फिर इससे एक आगे की ओर, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, तीन बॉन्ड गए। अर्थात 90 डिग्री का एंगल किसी भी बॉन्ड्स के बीच नहीं बना है। 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है, कोई भी लिगेंड अक्ष के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु पर नहीं भेज पा रहा है। अक्ष पर तो तब भेजता जब आप इसके बीच में कैसा डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो मैं ऐसा सोचता भी उस समय कि चलो हो सकता है अक्ष के थ्रू आ रहे हो, लेकिन 90 डिग्री का एंगल ना बन पाने के कारण भैया कोई भी लिगेंड अक्ष के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भेज पा रहा है। अब मैं चेक करता हूं कि ऐसे उपसह संयोजक संकुलों में जो क्रिस्टल का क्षेत्र विपाटन सिद्धांत होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो भैया डी ऑर्बिटल सबसे पहले, और डी ऑर्बिटलों में से ऑर्बिटल कितने बनाए जाएंगे, तो पांच, एक दो तीन चार पांच। नाम तो इनके याद ही रखने हैं, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बेटा जैसे ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस पर टकराएंगे ये दो भागों में टूट जाएगा। और थोड़ा ऊपर ले चलो भैया, जब दो भागों में तोड़ना ही है ऐसे तोड़ लेते हैं दो भागों में। अब इस बार क्या होगा प्रॉब्लम, इस बार प्रॉब्लम ये आएगी कि तीन ऑर्बिटल जाएंगे ऊपर और बेटा दो ऑर्बिटल रहेंगे नीचे। टी टू जी ऊपर रहेगा, ई जी कहां रहेगा, नीचे। अब कुछ बच्चों के शायद ये समझ में ना आए कि सर जी आपने ये उल्टा क्यों कर दिया, पिछली बार तो आपने बहुत अच्छा बनाया था, इस बार तो सारा बिगाड़ दिया खेल। इस बार खेल बिगड़ा नहीं है बेटा, बना ही है। सोचो क्या कोई लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को अक्ष से भेज पा रहा है? नहीं, हमेशा कहां से भेज रहा है, अक्षों के बीच में से। अगर अक्षों के बीच में से भेजेगा तो जो ऑर्बिटल अक्षों के बीच में बने हुए हैं इन पर प्रतिकर्षण भी ज्यादा लगाएगा, इलेक्ट्रॉन भी अक्षों के बीच में से आ रहा है और ऑर्बिटल भी कहां है, अक्षों के बीच में ही। तो क्योंकि ये ऑर्बिटल अक्षों के बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन इन्हीं की ओर से आ रहा है और इन पर प्रतिकर्षण लगाएगा ज्यादा, और जब ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएगा तो ये कहां चले जाएंगे, तीन ऑर्बिटल ऊपर। अच्छा यही दो ऑर्बिटल तो एक्सिस पे अक्ष पर होते थे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अक्षों से नहीं आ रहा है इसलिए अक्षों पर उपस्थित ऑर्बिटल से कैसा है, दूर है, इनको कम प्रतिकर्षित करेगा, और कम प्रतिकर्षित करने के कारण डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी रह जाएगी, कम। जिनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा उनको ज्यादा ऊपर बनाएंगे, और जिनको कम प्रतिकर्षित करेगा उनको कहां बनाएंगे, नीचे। और आपको अच्छी तरह से यह पता है कि इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप होता है उसे डेल्टा नॉट से लिखते हैं। अब मैं फिर से वही बात बताऊंगा, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड वाली बात। अगर लिगेंड प्रबल होगा तो इनके बीच का गैप कैसा होगा, ज्यादा। और जब बीच का गैप ज्यादा होगा, मैंने मान लिया 100 जूल, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बनाने के लिए कितने जूल चाहिए, 40 जूल। तो आपको क्या लगता है, प्रबल लिगेंड लगे होने की दशा में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाना चाहिए? क्योंकि सर जी जोड़ा बनवा लेंगे, क्योंकि जोड़ा बनाना सरल है 40 जूल से, और वैसे एनर्जी 100 जूल चाहिए। लेकिन अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो इनको बहुत अधिक दूरी पर ले नहीं जा पाएगा, और बाय चांस मैंने मान ली इनके बीच की ऊर्जा गैप 10 जूल है और युग्मन ऊर्जा जो है वो अभी भी 40 जूल है, क्या कहते हो आप? अब इलेक्ट्रॉन के पास जरा से भी ऊर्जा होगी ये ऊपर से नीचे पर जाएगा कि युग्म का निर्माण करेगा? आप कहोगे सर 40 जूल लगेगी जोड़ा बनाने में और नीचे से ऊपर पहुंचने में 10 जूल, तो 10 जूल भी चला जाएगा।
दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड का ये इफेक्ट होता है। इसके बाद आपने इस फिगर को कंट्रोल कर लिया, बना लिया। अगले नंबर पर आता है, कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक के रंग के विषय में आपको टिप्पणी लिखना है कि उप सह संयोजक यौगिक रंगीन होते हैं या रंगहीन होते हैं। सुनो भैया, इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है डी ब्लॉक का तत्व, अर्थात उसकी बाहरी कक्षा या उसके में से रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। रिक्त डी ऑर्बिटल पाने का मतलब जिसके डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन नहीं है या अयुग्मित है। तो होता क्या है उस दौरान, जैसे ही प्रकाश उप सह संयोजक यौगिकों पर पड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको भी ध्यान देना, डी ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा नहीं बना है, उन इलेक्ट्रॉनों की मैं बात कर रहा हूं, जिनका जोड़ा बना है वो कुछ भी नहीं करेंगे, जिनका जोड़ा नहीं बना है वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। वो जिस रंग की प्रकाश को अवशोषित करते हैं उसी के पूरक रंग को उत्सर्जित भी करते हैं। अगर जिस, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं उसके पूरक रंग को क्या करते हैं, उत्सर्जित। और जिस रंग को उत्सर्जित कर रहे होते हैं उप सह संयोजक यौगिक हमें उसी कलर का दिखाई देता है। इस पूरी बात को एक और बार मैं रिपीट कर सकता हूं कि उप सह संयोजक यौगिक पर जब प्रकाश को डाला जाता है, उप सह संयोजक यौगिक में जो संक्रमण धातु है उसके डी ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं उनको मिलती है एनर्जी, कहां से, प्रकाश, और वे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं। तो कहते हैं सर जी, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को अवशोषित करता है इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों ने ऊर्जा का तो अवशोषण कर लिया है। वो जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं उसी के पूरक रंग को क्या करते हैं, उत्सर्जित भी करते हैं। क्यों, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रह सकता। अगर उसकी एनर्जी बढ़ी है और वो निम्न से उच्च में आया है तो जल्दी ही वो उच्च से कहां पर आएगा, निम्न से, और इस दौरान वो ऊर्जा का त्याग भी करेगा। ऊर्जा का त्याग किस रूप में होगा, प्रकाश के रूप में। कैसा प्रकाश त्यागेगा, जैसा ग्रहण किया था, नहीं, उसके पूरक रंग को त्यागेगा। कहता इस बात को समझ लिया जाए, हां भैया समझा देते हैं। कहता है संक्रमण तत्वों से बनने वाले उप सह संयोजक यौगिक रंगीन होते हैं। क्यों रंगीन होते हैं, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के एक भाग को, एक भाग का मतलब किसी विशेष रंग को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे डीडी संक्रमण होता है। डीडी संक्रमण का मतलब क्या होता है, डीडी संक्रमण का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से ऊर्जा पाकर दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, निम्न से कहां चले जाते हैं, उच्च में, इसको कहते हैं डीडी संक्रमण। अच्छा, जाता कहां से, डी से, पहुंचता भी कहां है, डी पर, तो संक्रमण का नाम डी, डी संक्रमण करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, अर्थात निम्न से उच्च ऊर्जा में स्तर में जाने के लिए इन्होंने जिस कलर के प्रकाश को अवशोषित किया होगा उसके पूरक रंग का उत्सर्जन करते हैं, अतः रंगीन दिखाई देते हैं। कहता सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बता देते हैं, तो मैं बताता हूं। देखो, ये उप सह संयोजक यौगिक है जिसमें कोबाल्ट के परमाणु ने प्रकाश को अवशोषित किया। कैसे रंग के प्रकाश को अवशोषित किया, पीले रंग के प्रकाश को अवशोषित किया। तो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां गए होंगे, उच्च, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब उच्च से निम्न पर आएंगे तो ये ऊर्जा को त्यागेंगे। तो ऊर्जा को ग्रहण भी प्रकाश के रूप में किया था, तो त्यागेगा भी किसके रूप में, प्रकाश। लेकिन अब कैसे प्रकाश के रूप में त्यागेगा, बैंगनी प्रकाश के रूप में त्यागेगा। तो हमें कंपाउंड पीला दिखाई देगा कि बैंगनी दिखाई देगा, बैंगनी। जिस रंग के प्रकाश को त्यागता है वस्तु वैसी दिखाई देती है, अवशोषित करके क्या कर रहा है यह मैटर नहीं करता। उस समय इस पूरे कंपाउंड में कोबाल्ट ने इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट में, उन इलेक्ट्रॉनों पर जब प्रकाश पड़ा, कैसे रंग के प्रकाश को अवशोषित किया, हरे और नीले रंग को, निम्न से इलेक्ट्रॉन कहां गए, उच्च पर,
और यही इलेक्ट्रॉन उच्च से फिर निम्न पर आएंगे तो ऊर्जा त्यागेंगे, किसके रूप में? प्रकाश के रूप में। कौन से प्रकाश के रूप में? लाल रंग। इसलिए हम लोगों को ये नीचे वाला कंपाउंड लाल रंग का दिखाई देगा। जिस कलर को अवशोषित करता है वही कलर डोनेट नहीं करता है। त्यागता कौन सा कलर है? उसका पूरक रंग। तो पीले की जगह पर बैंगनी रंग का त्याग करेगा, हरे और नीले को अवशोषित करेगा तो कौन सा रंग त्यागेगा? लाल। एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, कुछ बातें केवल दो तीन लाइनें की बच गई हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट में लिखा है सीएफटी की सीमाएं, अर्थात यह नियम, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला नियम, किन किन बातों को नहीं बता पाता है, या किन स्थानों पर लागू नहीं होता है, या किन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाता है। पहला लिखा है लिगैंड्स को महत्व नहीं देता। आपने जब भी इस सिद्धांत को पढ़ा आपने देखा हमेशा किन के ऑर्बिटल की बात हुई? केंद्रीय धातु परमाणु की। लिगैंड्स के बारे में, उनके ऑर्बिटल्स के बारे में एक भी जानकारी नहीं दी इसने। ये इसकी कमी है, या आप ये समझ सकते हैं ये लिगैंड्स के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। अगला नंबर लिखा है लिगैंड्स के विपाटन की व्याख्या क्या नहीं करता। यार ये विपाटन का मतलब क्या है? ऑर्बिटल्स का दो भागों में टूटना कहलाता है विपाटन। विपाटन हमको केंद्रीय धातु परमाणु में तो सिखाया इसने, लेकिन हमको विपाटन कहां पर नहीं सिखाया गया? लिगैंड्स में। कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल्स विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या लिगैंड्स के भी ऑर्बिटल विपाटित होते हैं? इस बात का कोई नॉलेज नहीं दिया इस सिद्धांत ने। इस सिद्धांत के द्वारा इस बात का भी पता नहीं चला। एस व पी कक्षकों की बात नहीं करता है, मतलब केवल हमने कौन से ऑर्बिटल्स को विपाटित करके दिखाया है? डी ऑर्बिटल को। ना तो क्या किसी केंद्रीय धातु परमाणु में एस और पी ऑर्बिटल होते ही नहीं? बेटा एस और पी ना होते तो डी भी ना होता। डी तब ऑर्बिटल आता है जब उसके पहले एस और पी ऑर्बिटल होते हैं। एक ये भी गड़बड़ी है उसकी कि एस और पी ऑर्बिटलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी बात नहीं बता पाया यह सिद्धांत। यह सिद्धांत एक और बात पर गड़बड़ है, कहता यह सिद्धांत लिगैंड्स को बिंदु मात्र मानता है। हां ठीक भी है, एक लिगैंड था क्लोराइडो, मैं इसको बिंदु मात्र मान सकता हूं। एक लिगैंड और था ब्रोमाइडो, मैं इसको बिंदु मात्र मान सकता हूं। लेकिन बेटा एक लिगैंड था, मैं पढ़ के सुनाऊं अगर इसको, तो देखो ऐसे लिखा था NH2, CH2, CH2 और NH2। इस प्रकार के लिगैंड्स को बिंदु मात्र नहीं माना जा सकता है। और बेटा मैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने इसके अलावा भी लिगैंड लिखाया था, एक था EDTA, नहीं एथिलीन डायमीन टे, हाँ ट्राइएसीटेटो, टेट्राएसीटेटो, तो वो वाला तो लिगैंड इससे भी बड़ा था, जिसको बिंदु मात्र तो कुछ को तो मान सकते हैं, सबको बिंदु मात्र नहीं मान सकते। एक ये गड़बड़ी है। तो आपके चैप्टर में से एक लास्ट आर्टिकल बचेगा, इसको फिर कंप्लीट करेंगे अगली क्लास पर।